हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिवशंकर बायोलॉजी में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, आप लोग का चल रहा था बायोलॉजी में किंगडम फंगी, यानी किंगडम फंजाई। किंगडम फंगी का आप लोग का वर्गीकरण में आप दो देख लिए थे, एक देखिए आपका एस्क्रोमाइसिटिस देख लिए और फाइकोमाइसिटिस देख लिए। आज आपका टॉपिक है बेसिडियोमाइसिटिस। वीडियो पूरा देखना है। और एक बात बता देते हैं, देखिए एक आवश्यक सूचना है कि आप लोग का नीट का जो एग्जाम रद्द होने वाला था वो शायद नहीं होगा रद्द, क्योंकि आपका ये तमिलनाडु का जो मुख्यमंत्री है वो लिखे थे पत्र, लेकिन नरेंद्र मोदी ने कोई फैसला नहीं लिया है। अब नरेंद्र मोदी ने फैसला नहीं लिया तो एनटीए के जो सीएमओ हैं उन्होंने भी हरी झंडी दिखा दिया है कि चलो एग्जाम लेना है, लेकिन अगले सप्ताह तक, एग्जाम के अगले सप्ताह, इस जो अभी चल रहा है जून, तो जून के अगले सप्ताह में एग्जाम के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी। एग्जाम के जो कार्यक्रम है इसके बारे में जानकारियां मिल जाएगी, कब से फॉर्म भरी जाएगी, कब से एग्जाम होगा, ये सारी कार्यक्रम जो है वो आपको अगले सप्ताह में पूरी लिस्ट जारी किया जाएगा, टेंशन ना लीजिए। तो देखिए, और एक बात कि अभी आप बेगारी मत कीजिए, अब नीट का एग्जाम है, जितना वीडियो आता है वीडियो पूरा का पूरा देखिए और दोस्तों के पास दबा के शेयर कर दीजिए। देखिए बेसिडियोमाइसिटिस भी तो एक प्रकार का कवक है। क्या बताए थे, फंगी, किंगडम फंगी यानी फंगी जगत, कवक जगत के बारे में बांटा गया था, फाइकोमाइसिटिस, एस्कोमाइसिटिस, आज आपका बेसिडियोमाइसिटिस। फाइकोमाइसिटिस को शैवालीय कवक कहते थे, एस्कोमाइसिटिस को थैली कवक कहते, लेकिन बेसिडियोमाइसिटिस को गदाकार कवक कहते, ध्यान दीजिएगा। क्या बोलते हैं, गदाकार कवक, किसको बोलते हैं, बेसिडियोमाइसिटिस को। बेसिडियोमाइसिटिस के अंतर्गत जो वर्ग आते हैं ये भी एक प्रकार का वर्ग ही है, लेकिन इसके अंदर जो जो वर्ग आता है वो है आपका एग्रीकास, ब्रेकेट फंगी, रस्ट, पफ बॉल्स, अस्मट, इसको अस्मट बोलते हैं, ये रस्ट। तो यही रस्ट रोग एक बताए थे हम इसको बारे में आपको, एक कवक के बारे में, जिस कवक का नाम था पक्सिनिया। और पक्सिनिया गेहूं में, ध्यान से समझिएगा, पक्सिनिया गेहूं के फसल पर रस्ट रोग उत्पन्न करता है और वह रस्ट रोग उत्पन्न करके फसल को नष्ट कर देता है। यानी कह सकते हैं कि किस कवक द्वारा गेहूं में रस्ट रोग उत्पन्न होता है, तो पक्सिनिया कवक। तो बेसिडियोमाइसिटिस के अंतर्गत जो एग्जाम्पल है कौन कौन से, इसके अंतर कवक, इसके अंतर्गत जो कवक आते हैं वो है आपका एग्रीकस, पक्सिनिया और ऑस्टिलगो। तो देखिए ऑस्टिलगो जो है, अभी यही पक्सिनिया की बात कर रहे थे, ये पक्सिनिया कवक है और यही कवक गेहूं के फसल यानी वीट, गेहूं के फसल पर रस्ट रोग उत्पन्न करता है। समझ मारी बात। बेसिडियोमाइसिटिस के अंतर्गत आने वाले जितने भी कवक हैं, उसमें कवक तंतु शाखित या पट युक्त होता है। कैसा होता है, कवक तंतु शाखित होगा चाहे पट युक्त होगा, पट युक्त मतलब भाग में बटा बटा। और यह कवक तंतु कैसा होता है, शाखित ब्रांच में होगा या भाग में पट युक्त होता है। इसमें आपका कह सकते हैं दूसरे भाषा में कि लैंगिक जनन नहीं होता है। इसमें आप कहेगा कि सर लैंगिक जनन नहीं होता है, और यहां पे लिख भी दिए हैं कि सर लैंगिक जनन होता है। सुनो, बेसिडियोमाइसिटिस के अंतर्गत जितने भी आते हैं सदस्य, ये सब सदस्य है एग्रीकास, पक्सिनिया, ऑस्टिलगो, ये जो है इसमें लैंगिक जनन नहीं बल्कि अलैंगिक जनन होता है, और अलैंगिक जनन में भी वर्धी जनन विखंडन होता है। समझ में आ रही बात। लेकिन अगर लैंगिक जनन की बात करें तो लैंगिक जनन इसमें होता है, पूर्ण रूप से नहीं होता है। इसमें लैंगिक जनन आपका केंद्रक, युग्मकी या कंपक तंतु द्वारा होता है। समझ में आ रही बात। इसमें जो लैंगिक की जब बात करें तो लैंगिक के लिए आप इसको क्या जरूरत करना पड़ता है, केंद्रक, युग्मकी और कवक तंतु द्वारा करता है, लेकिन कवक तंतु द्वारा बेसिडियम का निर्माण करता, किसका, बेसिडियम का निर्माण करता है, और यही बेसिडियम अर्धसूत्री विभाजन होकर के विभाजित होता है। अर्धसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होकर के चार बेसिडियो स्पोर्स का निर्माण करता है। फिर से एक बार, इसमें लैंगिक जनन
केंद्रक युग्मकी कवक तंतु द्वारा होगा, लेकिन पूर्ण रूप से लैंगिक नहीं होता, पूर्ण रूप से वर्धित जनन विखंडन होता है। केंद्रक युग्मकी ये दोनों नहीं रहेगा तो केवल लैंगिक नहीं होगा लेकिन वर्धित अलैंगिक होगा। केंद्रक युग्मकी कवक तंतु द्वारा होता है तो केवक आपका ये कवक तंतु और केंद्रक युग्मकी, तो कवक तंतु से फिर बेसिडियम का निर्माण करता है और यही बेसिडियम क्या करता है कि अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन होकर के चार बेसिडियो स्पोर्स का निर्माण करता है, समझ में आ रही बात। लेकिन यहां पे एक बात और है, इसमें वेजिटेटिव जो सेल होता है, कहने का मतलब कि कायिक सेल जो होता है, दो कायिक इसमें सेल एक बार संलयन करता है, संयोजन करता है, तो संलयन से प्लाज्मोगेमी होती है। ध्यान दीजिएगा कि जब इसमें बेसिडियो माइसिटिस के अंतर्गत आने वाले सदस्यों में अगर दो कायिक कोशिका एक दूसरे से संलयन करता है तो उसको क्या बोलते हैं, प्लाज्मोगेमी। ध्यान दीजिएगा क्या बोला जाता है, प्लाज्मोगेमी। और बेसिडियो माइसिटिस के एग्जाम्पल याद करने का ट्रिक हम बता रखे हैं, अगर वीडियो नहीं देखे ट्रिक याद करने का तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक होगा ट्रिक वाला, इसका याद कर लीजिएगा, समझ में आ रही है बात, सब याद करना है। तो बेसिडियो यहां पे एग्जाम में पूछेगा बेसिडियो माइसिटिस कैसा कवक है, गदाकार। बेसिडियो माइसिटिस वर्ग के अंतर्गत कौन कौन से वर्ग आते हैं, एग्रीकस, ब्रेकेट फंगी, रस्ट, पफबस, स्मट आता है। बेसिडियो माइसिटिस के अंतर्गत कौन कौन से सदस्य आते हैं, एग्रीकस, पक्सिनिया, ऑस्टिलेगो। रस्ट रोग किस कवक के द्वारा उत्पन्न होता है, पक्सिनिया के द्वारा। बेसिडियो माइसिटिस के अंतर्गत आने वाले सदस्यों का कवक तंतु किस रूप में होता है, शाखित होता है या पट युक्त होता है। ये सब नहीं लिखाएगा, याद नहीं होगा, अरे ये सब याद हो जाएगा ना तो एग्जाम में अपने आप बन जाएगा, खाली देखोगे तो लगेगा अच्छा ही वाला है, ये तो जानवे करते हैं, मार दो रंग दो, सही चार नंबर कन्फर्म, समझ में आ रही है बात। ध्यान रखिएगा बेसिडियो माइसिटिस के अंतर्गत सदा जितने भी सदस्य आते हैं तो सदस्य में दो कायिक कोशिकाओं के संलयन को प्लाज्मोगेमी कहते या प्लाज्मोगेमी होता है, कुछ भी बोल सकते। इसमें लैंगिक जनन द्वारा केंद्रक युग्मकी कवक, इसमें लैंगिक जनन किसके द्वारा, केंद्रक युग्मकी और कवक तंतु द्वारा, कवक तंतु से बेसिडियम का निर्माण होता है और बेसिडियम अर्धसूत्री विभाजित होकर के यानी अर्धसूत्रण विभाजन होकर के चार बेसिडियो स्पोर्स का निर्माण करता है। कितना अंत रूप में कितना बेसिडियो स्पोर्स का निर्माण करता है, चार बेसिडियो स्पोर्स का निर्माण करता है। ये हो गया आपका बेसिडियो माइसिटिस। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों के पास, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए।